सबसे पहले देखते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में असहिष्णुता पर दिए करण जौहर के बयान से पैदा हुए विवाद पर एक रिपोर्ट। असहनशीलता पर बहस थमी रही थी कि फिल्मकार करण जौहर ने आग में फिर से घी डाल दिया। देश को लेकर करण ने अपनी राय विस्तार से रखी और ऐसा करते हुए अपने देश की डेमोक्रेसी तक पर सवाल उठा दिया। What do I say? Revealing in today's times can land you in jail. We're in a tough country to speak about your personal life. I feel really sad about it because being a public figure, you're expected to kind of helm a certain movement, talk about freedom of expression, which is the biggest joke in the world, I believe. Democracy is the second biggest joke, I think. I really think that how are we democratic? I mean, how is there freedom of expression? I'm a filmmaker and I feel bound on every level. You know, be it like to do with what I put out on celluloid or what I say in print. I feel like there's always like some kind of a legal notice awaiting me. Everywhere I go, I'm scared. Like I'm scared I'm saying something in Jaipur. I don't know who'll file a case when I get home, you know. And so I've become like some kind of an FIR king now. I mean, it's all happening around me. I'm still like, we finally won the national anthem case, which was 14 years ago. 2 days ago, I no longer have to apologize for putting the national anthem in my film in an emotional, proud manner. करण ने इन बातों को ऐसे वक्त में कहने का जोखिम उठाया है जब उन्हें पता था कि शाहरुख और आमिर सरीखे सितारों को कुछ ऐसी ही बातें कहने पर किस कदर विरोध का सामना करना पड़ा। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास। हैविंग सेड दैट, मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इनटॉलरेंस जरूर है। किरण एंड आई हैव लिव्ड ऑल आवर लाइव्स इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम किरण सेज शुड वी मूव आउट ऑफ इंडिया। नाउ दैट्स अ डिजास्ट्रस एंड वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर किरण टू मेक टू मी। इन्हीं दो खान के बयान के बाद देश में असहनशीलता पर सबसे ज्यादा बहस हुई। दोनों को काफी भला बुरा भी कहा गया और ये वो दौर था जब देश में अवार्ड वापसी का दौर चल रहा था। करण के बयान के बाद हालात फिर से वैसे ही बनते दिख रहे हैं। विशाल बरिष्टो, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, जयपुर। तो करण ने जब ये कहा कि कुछ भी कहने में सुनने में डर लगता है, बोलने से पहले सोचना पड़ता है और एक निर्देशक के तौर पर खुद को बंधा हुआ महसूस करता हूं, डेमोक्रेसी इस देश में मजाक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मजाक है, इसको हमारे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, कितना सही है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम राय बीजेपी की लेंगे। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ हैं। सुदेश जी, आप किस तरह से देखते हैं करण जौहर? स्टार डायरेक्टर्स की बात अगर कहें तो स्टार डायरेक्टर्स की श्रेणी में आते हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। वो जब ये कहते हैं कि उनको डर लगता है कुछ भी कहने से पहले, आप कैसे लेंगे इस बात को? देखिए, पहले जो इंटॉलरेंस डिबेट शुरू हुआ था वो थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल था, ये कम पॉलिटिकल है, इसलिए कि इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। जैसे फिल्म में क्रिएटिविटी है उसमें शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आर्टिकल 377 की वो बात करते हैं, दोस्ताना जैसा फिल्म बनाया है उन्होंने उसकी वो बात कर रहे हैं कि कुछ समुदाय है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि लॉ जो है उनके खिलाफ है, तो इस इशू पर वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी जो है टॉलरेंट नहीं है या डेमोक्रेसी को जो क्वेश्चन कर रहे हैं स्पिरिट को। लेकिन यहाँ भी गलत है, गलत इसलिए है कि हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक डिबेट के थ्रू, मान लीजिए कोई लॉ है जैसे आर्टिकल 377 है, अगर आपको पसंद नहीं है अभी आर्टिकल 377 है तो एक कंसेंसस हो सकता है बाद में जाके इमर्ज कर जाए जहां की लॉ चेंज हो जाए। यही तरीका है लॉ बदलने का और सोसाइटी बदलने का। हमारी सोसाइटी उन तरीकों पर सवाल नहीं है, उन तरीकों का सवाल नहीं है, एक्सेप्ट करें हैं सुदेश जी, उन तरीकों पर सवाल नहीं है। सोचने की बात यह है, आमिर खान कहते हैं उनको रहने में डर लगता है, करण जौहर कह रहे हैं कुछ कहने में डर लगता है, बात इस पर है। कहने, देखिए फिल्म की बात है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि आज़ादी नहीं है, आज़ादी बिल्कुल है और आज़ादी को, लेकिन फिर भी आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, आपकी आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से हमारा नाक शुरू होता है। आज़ादी के कुछ दायरे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बांधे हुए हैं, तो दायरा कैसे तय हो? ये अगर फ्री कंट्री नहीं होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दायरा तय कैसे हो? इस तरह की बात होती नहीं। आपको पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की आज़ादी अगर नहीं होती तो ये बात करण जौहर साहब करते ही नहीं। उन्होंने बात ही इसलिए की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये इमरजेंसी का जमाना नहीं है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको जेल में। उसके बाद विवाद भी तो हो रहा है। 377 की बात आप सुरेश जी, उन्होंने कहा उसके बाद विवाद भी तो हो रहा है।
आपके पार्टी के नेता जब कहते हैं उन्होंने गलत कह दिया है, उनको नहीं कहना चाहिए जो था, ये असहिष्णुता की बात है, वो कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, नहीं, तो नहीं कहना है? नहीं, नहीं, नहीं कहना, नहीं कहना इसलिए चाहिए, नहीं कहना इसलिए चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बयान पॉलिटिकल नहीं है, सोसाइटी को चाहे बदलाव का, बदलाव का स्वरूप हो सकते हैं, वो बदलाव का स्वरूप हो सकते हैं, अगर वो बदलाव चाहते हैं सोसाइटी में तो किसी ने उनको मना नहीं किया है, वो लीड कर सकते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी पे क्वेश्चन मार्क करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क करना, हमारी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क करना, फिल्म बनाना दूसरी बात है, इतनी बड़ी बात को कह देना सही नहीं है। बिल्कुल, आलोक जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस की राय भी लेनी होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा आलोक जी? इनका जो कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये कहना कि इस देश की डेमोक्रेसी, इसकी दुनिया भर में इतनी तारीफ होती है, जिसको पूजनीय कहा जाता है, भारत की डेमोक्रेसी की इतनी तारीफें होती हैं, उसको ये कह रहे हैं बिगेस्ट जोक इन द वर्ल्ड, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहली चीज तो है, जयपुर से बयान आया है, जयपुर ही चलते हैं। जयपुर में अभी कुछ दिन पहले एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर तमाम कलाकृतियों के माध्यम से कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया था कि समाज के अंदर क्या चल रहा है। तो किसी ने प्लास्टिक की गाय, एक प्लास्टिक का बैलून बनाया कि गाय को प्लास्टिक से बचाया जाए और गाय की रक्षा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी और पुलिस के आदेश पर उस गाय को तुरंत नीचे उतार दिया गया था। तो जयपुर से बात शुरू हुई, मैंने इसीलिए जयपुर से किया। लेकिन दो पहलू हैं इसके सीधे सीधे। जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन रहा है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि असहिष्णुता सामने है, चाहे वो सांसद हों बीजेपी के, चाहे मंत्री हों। मैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, गिरिराज ने क्या कहा, साध्वियों ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं किस तरह के वक्तव्य आए हैं। लेकिन अभी हाल में ही दो महामंत्रियों ने किस तरह का वक्तव्य दिया कि एक की फिल्म फ्लॉप करा दी गई। आलोक जी, मैं चाहूंगा पहले आप करण जौहर की बात करें, उसने जो कहा, नहीं आप क्या कर रहे हैं, मैं उस करण जौहर ने जो कहा उस पर रिएक्ट करने के बजाय कुछ और ऐसी लकीरें खींच रहे हैं जिनको लेकर एक कॉमन रजामंदी हो सकती है कि हाँ ये गलत हुआ, गाय का स्टेज से उतारना गलत हुआ। उन लकीरों को मत खींचिए, पहले करण जौहर ने जो कहा उससे आप कितने सहमत हैं? भारत की डेमोक्रेसी क्या मजाक है? देखिए नरेश जी, मैं समझता हूं कि करण जौहर जी की टिप्पणियों के ऊपर हम बहस करें, शायद ये मजाक मुझे कई बार लगता है। करण जौहर जैसा व्यक्ति जो अपनी मदर के एक सभा में बैठे हुए जिस तरह की उसने टिप्पणियां की थी, वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि वास्तव में क्या हमारे राष्ट्रपति भी अगर कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस का माहौल है, क्या ओबामा साहब भी कह के चले गए, नसीहत दे के चले गए, RBI के गवर्नर भी कह रहे हैं, तमाम लोग अपने पद भी सम्मान भी वापस लौटा रहे हैं। तो इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जहां तक दो वक्तव्य हैं करण जौहर जी के, मैं समझता हूं कि भारत का लोकतंत्र है वो मजाक नहीं है। भारत का लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है और किसी भी प्रक्रिया में कमी हो सकती है, उनको दूर किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म आप बना रहे हैं तो आप किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, किसी धर्म और जाति के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। वो प्रक्रिया अवश्य है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ कमियां उसके अंदर जो अंकुश है, कमियां नहीं अंकुश जो है, वो अंकुश हमेशा बरकरार रहा है और रहना चाहिए। लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस माहौल में उनका बयान आया है, मैं उस माहौल को बिल्कुल पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जिस तरह का देश के अंदर माहौल बनाया है, RBI के गवर्नर को भी मजबूर होकर कहना पड़ा है कि इसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन बातों पर आएंगे, ये अच्छी बात है कि आपने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, कुछ बातों से सहमत है, कुछ बातों से सहमत आप नहीं है। सोमनाथ जी हमारे साथ हैं, सुमना जी आप बताइए, आप किस तरह से लेते हैं करण जौहर ने जो चिंताएं जताई हैं, कितना सहमत आप हैं? वो कह रहे हैं इस देश में कुछ भी कहने से करने से डर लगता है। नरेश जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आलोक जी की बात भी और सुदेश जी की बात भी। आपको शायद याद होगा कि सुदेश जी की पार्टी भाजपा के बड़े नेता अरुण जेटली जी ने रीट्वीट करने पर किसी भी डिफेमेशन केस कर दिया, और कांग्रेस का कहना वो तो 66A के निर्माता है, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। कारण अभी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जो संविधान देता है, इस जितना सुंदर से संविधान ने पूरे सारे हिंदुस्तानियों को जो स्वतंत्रता दी, जो फंडामेंटल राइट दिया, आज वो खतरे में है। और पहले भी वो खतरे में था समवट, लेकिन आज ज्यादा खतरे में है क्योंकि एक्सप्लिसिट अटैक हो रहे हैं। आज के तारीख में लेखक, कभी कोई भी क्रिएटिव आदमी अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक तरह की परंपरागत कोई जो रूढ़वादी अंडरस्टैंडिंग है भाजपा की, उसको वो थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो करण जौहर ने कहा
अगर आप उनके उनको उनको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहे थे आलोक जी, वो बड़ा मुझे लगता है कि गलत बयानी था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उनके मन की पीड़ा ये कहती है कि आज वो डर में हैं, एक भय में जी रहे हैं। आज के तारीख में हमारे देश, मेरे भारतवर्ष का लेखक, कवि, क्रिएटिव आदमी, पेंटर, डांसर, सभी एक डर का माहौल में जी रहे हैं। मुझे याद है कांग्रेस के जमाने बहुत संक्षिप्त में मुझे एक बात बताइए, एक ट्वीट किया था उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया। सोमनाथ जी मुझे एक बात बताइए, आज के तारीख में आप शो में इस वक्त बैठे हैं, आप इस वक्त शो में बैठे हैं, आ गया आपको क्या कुछ भी कहने से पहले कोई डर लगता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, क्या वाकई कुछ कहने में करने में डर लगता है? मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने तीन राय ली, तीन अलग अलग पार्टियों की, तीन अलग अलग व्यक्तियों की राय ली, और तीनों की राय उसी तरह से आई पार्टी लाइन के मुताबिक। दो एफआईआर करके कांग्रेस ने मेरे ऊपर दो एफआईआर करके, एक एफआईआर जमाने में हुआ था कांग्रेस का, एक एफआईआर जमाने में हुआ भाजपा का। व्यक्तिगत मुझे पुलिस को भी समझ में आ गई है, कांग्रेस ने कोई एफआईआर नहीं किया, पुलिस ने एफआईआर किया है, इनकी और एफआईआर क्यों हुआ है वो भी आप जानते हो। निजी बातों पर हम गलत टॉपिक को मत छेड़ना है, जो कोर्ट से डरता है, जो कोर्ट के चक्कर काटने से डरता है, वो जरूर डर में है, वो जरूर भय में है। सोमनाथ जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, खैर हम आपके उन निजी बातों पर नहीं जाएंगे। आज का मुद्दा दूसरा है, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, आपने तीनों भाई की मात्रा बहुत ज्यादा है, आपका रिएक्शन क्या है? मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं जी। आप यहां, मैं तो अभी बोलने जा रहा हूं, मुझे माइनस करके रखिए, तीन बुद्धिजीवी नेता बैठे हैं, जो अभी तक दृश्य है, इसको आप टॉलरेंट की सीमा में रखेंगे कि इंटॉलरेंस की सीमा में रखेंगे? आप एक बात बता, अगर आप मेरी नहीं, मैं बता दूं, मैं सारे चैनल देखता हूं, सब कुछ देखता हूं, हमें जवाब आपके स्टूडियो में ही मिल जाना चाहिए कि जब चार इंटेलेक्चुअल बैठ करके और इस तरह से बात करते हैं तो कॉमन मैन अगर थोड़ा सा किसी चीज पे अपना रिएक्ट करता है, हर समाज में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, भीड़ होती है, अपने अपने उनके दायरे होते हैं, अपने अपने उनके छोटे मोटे वो होते हैं, कभी गुस्सा भी आता है, सारी चीजें आती हैं। तो ये जो हम लोग खुद तो हम झगड़ते हैं और कॉमन मैन से ये उम्मीद रखते हैं कि वो कहीं से कुछ भी, वो सिर्फ सहने के लिए है, हम सुनने को भी तैयार नहीं होते, और बहुसंख्यक जनता सिर्फ सुन ले और सह ले, वो सवाल नहीं कर सकती। कभी कोई सवाल उठता है तो उसको ऐसे कहा जाता है जैसे कि बस अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, सारी चीजें। मैं माफी चाहता हूँ, यही खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की कि यहाँ पर इस तरह के जिसको भी है, जैसे आलोक जी का फर्स्ट पार्ट से मैं असहमत, मतलब उनका अपना है, सेकेंड पार्ट जो आलोक जी ने कहा मैं उसी को दोहराऊंगा, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा सूत्रवाक्य है। आप लंदन की ब्रिटिश की संसद में पत्थरों पर लिखा हुआ है, जहां से हमने सब कुछ लिया था लोकतंत्र का, वहां लिखा है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन ये वादा करता हूं कि तुम्हारी अभिव्यक्त की आजादी के लिए मैं जीवंत लड़ता रहूंगा, अभिव्यक्त की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है, मैं तुमसे असहमत हूं। तो असहमत होना, असहमत के लेवल को ले जाकर के उस पर डिबेट हो सकती है कि जैसे ये होता है कि चलिए आप किसी की फिल्म रोक दिया, आप वो करते हैं, तमाम वो तरह की चीजें होती है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों के साथ नहीं होता है। आप ये देख लीजिए कि रामकृपाल जी पिछले कुछ वक्त में एक चीज जो देखने को मिली, एक बात कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कह लेने दें, किसी भी चीज का संविधान का अगर कानून का उल्लंघन होता है तो आलोक जी ने जैसा कहा कि कानून सबके लिए है और कानून अपना काम करता है, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर उस दायरे के भीतर कोई अपनी असहमति व्यक्त करता है तो हर चीज को ये नहीं करना चाहिए कि हर चीज को मान लेना चाहिए कि इंटॉलरेंस है। करण जी को जितनी फिल्में उन्होंने दी हैं, जितनी बॉक्स ऑफिस पे हिट्स मिली हैं, वो इसी हिंदुस्तान में मिली हैं, इसी आम जनता के लोगों ने ही अपना पैसा गाड़ी कमाई लगाई है जो उनकी फिल्में हिट भी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, करण जी की बात से मैं इत्तफाक नहीं रखता, लेकिन उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है, और यही लोकतंत्र की यहाँ खूबसूरती है, जिसको वो कह रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र एक मजाक है, मैं कहता हूँ कि यही उनकी आज बात पर देखिए पूरे देश में डिबेट हो रही है। और एक ही चीज मैं कहूँगा,
कि जो मैंने पूरा वाक्य सुना था उसमें कहीं इंटॉलरेंस एक सहज भाव से कही गई चीज थी। एक तो मीडिया का भी ये काम है कि मीडिया ढूंढती है कि कहां से कुछ मिल जाए। दूसरी बात जो करण जी ने कही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप समाज में रहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि चारों तरफ पानी है। पानी है तो आप तीली जला करके कहीं भी फेंक दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं बारूद है तो एक नागरिक होने के नाते आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि मेरे इस तीली से जहां मैं फेंक रहा हूं आग तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि समाज है तो सामाजिक दायित्व भी होता है। ये भी देखिए हिंदुस्तान का जिस तरह का समाज है, रामकृपाल जी, आप उसको मैं एक सेकंड, थोड़ा लंबा जा रहा, बाकी सबसे मैं नहीं होगी, केवल आखिरी एक वाक्य कहूंगा। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी की, ये बेस्ट की डेमोक्रेसी नहीं है जहां, लेकिन वहां भी कामू हुए, निस्से हुए, निहिलिज्म वहीं फैला जहां निहिलिज्म का मतलब था न व्यवस्था न व्यवस्था, यानी कोई कानून नहीं मानूंगा और कोई कंपल्सन भी नहीं होना चाहिए और कोई हमारी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। उसी समाज में, एक डेमोक्रेटिक समाज में ये सब बातें हो सकती थी, तो यहां भी है। लेकिन एक आप यहाँ की हिंदुस्तान की सच्चाई, जमीनी सच्चाइयों को भी देखिए और उसको मानने में खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उससे ये नहीं कहना चाहिए कि लोकतंत्र खराब है। हमारा पिछड़ा समाज है, बहुत तरह के लोग हैं, वो तरह तरह की चीजें हैं, धार्मिक असहिष्णुता है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो भी एक खूबसूरती है। देखिए अनेकता भी, हमारे देश की अनेकता भी खूबसूरती है उसकी। चलिए यहाँ आलोक जी आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि वो करण जौहर जो दोस्ताना जैसी फिल्में बनाते हैं होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, जो कभी अलविदा ना कहना बनाते हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर है, अब तक उनकी जो छवि रही है वो खुल के कहते हैं उनको जो कहना है, वो AIB जैसे शोज करते हैं, महिलाओं के सामने बहुत तरह की ऐसी बातें कही जाती है जो हम आमतौर पर घर पर नहीं कह सकते, इतनी आपत्तिजनक भाषा का वहां इस्तेमाल होता है, बच के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर अगर वो ये बात कहते हैं कि यहां पर कुछ भी कहने में डर लगता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता कि सब कुछ तो आप कह रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ उनकी जो, जिस तरह का अभी तक उनका इतिहास रहा है, जिस तरह की कर्मभूमि रही है, उसमें कहीं ना कहीं आज का वक्तव्य कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन जिस तरह का माहौल आज हो गया है उसमें कहीं ना कहीं वो वाक्य फिट बैठता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। एक किसी व्यक्ति की हरियाणा के अंदर अगर मिमिक्री होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बीजेपी का साथ दिया था, बीजेपी को वोट दिलवाए थे, तो मिमिक्री करने वाले व्यक्ति को बॉम्बे से पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिसार पुलिस वहां से अरेस्ट करके लेके आती है और उसके बाद जब मीडिया का दबाव बनता है उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कला, कला की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन जो भी है, शाब्दिक अभिव्यक्ति जो भी है, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। ये अंकुश गलत है, ये अंकुश नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो लोग केवल ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, मैं उनसे केवल ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने सम्मान लौटाए वो किसी एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, एक राज्य के नहीं थे, एक आयु वर्ग के नहीं थे। जब तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को जले पर नमक छिड़कने की बजाय कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। हैदराबाद का दलित का मुद्दा जैसा आया वो सामने आया, प्रधानमंत्री महोदय के साथ आज बनारस में जो हुआ वो देखिए आप क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है और वो केवल एक माध्यम से नहीं लगाया जा रहा है। आप किसी भी संस्थान के हेड को, आरएसएस के व्यक्ति को वहां पर बैठाना कब कोशिश करते हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो जितने भी हैं ब्रॉडकास्टर्स उसमें अपने लोगों को आप सेटल करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं अध्यापन का जो कार्य है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटीज हैं, वहां पर इस तरह की काम के गतिविधि करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो तमाम तरह का माहौल है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। ये प्रश्न चिन्ह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। चलिए इस पर सुदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुदेश जी बताइए। नरेश जी, जी देखिए इतना लंबा लंबा भाषण ये दे रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं और हम लोगों को लाख कोशिश करें ये डिबेट सेटल हो चुका है। सुदेश जी वाकई आपने बहुत अच्छी बात की, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन वाकई में जब अगर आपके पार्टी के नेताओं द्वारा कोई बयानबाजी इसमें नहीं होती और कहा जाता कि करण जौहर की निजी राय है, आप राजनीति मत करिए, तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान याद कीजिए, चार दिन पुराना क्या करण जौहर, करण जौहर ने हर समय जी आएंगे आपके पास एक मेहमान फोन पर जुड़ गया, मुझे माफ कीजिएगा सुदेश जी, माफ कीजिएगा, वापस मैं आप ही के पास आऊंगा। अभी रजा मुराद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। मुराद साहब स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, आपका रिएक्शन क्या है करण जौहर साहब जब ये कहते हैं कि इस देश में कुछ भी कहने में डर लगता है, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है, आप क्या सोचते हैं? देखिए हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है जी। देखिए इंसान की चीख तब निकलती है जब उसे दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है। अगर करण जौहर ने ये बात कही है तो यकीनन
उन्हें महसूस हुआ होगा, उन्हें कुछ घुटन महसूस हुई होगी, और जो जैसा वातावरण चल रहा है, इससे पहले शाहरुख खान और आमिर खान ने भी कुछ कहा था तो बहुत बवाल मचा था, उनकी फिल्मों को रोक दिया गया था, उनके पुतले जलाए गए। तो देखिए, और इंटॉलरेंस किसे कहते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी बात करने का हक है, और जो लोग करण जौहर की राय से सहमत नहीं हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का हक है, वो भी बात कहें कि रहे। लेकिन रजा साहब वो ये भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन अगर आप कहने के बजाय आप थिएटर्स पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप पोस्टर जला रहे हैं, आप पुतले फूंक रहे हैं, आप जबरदस्ती आप फिल्म को रोक रहे हैं, तो ये तो फिर डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर आप करण जौहर की या आमिर खान की या शाहरुख खान की बात से आप सहमत नहीं है, तो बिल्कुल आपको अपनी आवाज बुलंद करने का हक है, लेकिन इस तरीके से, यानी आप जो है इसका वायलेंस का सहारा लेके आप किसी का गला दबा रहे हैं या किसी की बात आप उसे बात करने नहीं दे रहे हैं, ये बात गलत है। और इंटॉलरेंस किसे कहते हैं? मैं ये कहता हूं कि करण जौहर ने ये बात कही है, सामने वाले को इख्तियार है कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अब क्या आप उनकी भी फिल्म को रोकेंगे? क्या उनकी फिल्म के आगे भी आप जो है मोर्चा निकालेंगे या थिएटर पे आप बिल्कुल किसी को घुसने नहीं देंगे? तो ये डेमोक्रेसी कहाँ है बताइए? जो आपको करना है, जो आपको बात कहना है, अगर करण जौहर ने एक बात कही है तो बिल्कुल प्रजातंत्र में जो हमारा सेटअप है उसके तहत कहिए कि ये मैं कह रहा हूं, तो आप उसको की बात को बिल्कुल आप नकारिए, आपको नकारने का हक है। लेकिन जिस तरीके से नकारा जाता है, जिस तरीके से आवाज को दबाया जाता है बल्कि बलबूते पे, मैं उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब आज हमें वक्त देने के लिए। सुदेश जी, सवाल सीधे आपके ऊपर आता, जो वो कहना चाह रहे थे, विरोध कीजिए लेकिन जिस तरह से फिल्मों को थिएटर से हटाने की कोशिशें होती है, कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कुछ ही दिन पहले कहा कि एक को जवाब मिल गया है, अब दंगल में मंगल करना है, कहीं ना कहीं इस वजह से ये सवाल उठते हैं। आप विरोध जताइए लेकिन हमले मत कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और कोई भी प्रोटेस्ट है पार्टी में, उसका कोई हाथ नहीं, इंडिविजुअल लोग करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोसाइटी के किसी नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं तो सोसाइटी कैसा रिएक्ट करेगी ये सोसाइटी के ऊपर है। हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, हम लोग समझाने बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसी है वो अपना काम करेगी। इतना बोल देना काफी नहीं होगा। मूवी का जिन लोगों ने विरोध किया उसकी निंदा करेंगे आप? मैंने बोला, सुन लीजिए एक मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, इन्होंने करण जौहर साहब ने जो भी बोला, ये अपने पर्सनल फिल्म को लेके बोले हैं, अपने पर्सनल हैबिट को लेके बोले हैं, इन्होंने जनरल नहीं बोला है। और उसके बाद भी हमारा कहना है कि ऐसे लोगों को जो सोसाइटी का नेतृत्व देते हैं, ऐसे लोगों को तब भी आगे आना चाहिए जब सलमान रुश्दी के सैटानिक वर्सेस को बैन किया जाता है, जब तस्लीमा नसरीन के ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगती हैं, उस समय भी आना चाहिए। उस समय ये कहां चले जाते? MF हुसैन होते थे जो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना के क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते थे। कहीं ना कहीं तो आपको वो दायरा रोकना पड़ेगा। सोसाइटी जो है हमारी, उसको भड़काने की कोशिश न करें। ये आपने अच्छी बात कही सुदेश जी, AIB जैसे प्रोग्राम आप लाते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, बात कही कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, विरोध बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अगर लोग डिसाइड करते हैं, जिन लोगों ने विरोध और वायलेंस नहीं देखेंगे, लोग डिसाइड करते हैं इस डायरेक्टर का फिल्म नहीं देखेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लोग डिसाइड कर रहे हैं। फिल्म हॉल के अंदर जाने से दर्शकों को रोका, जिन्होंने जाने की कोशिश की उनको पीटा गया, जब अभी ये मूवी आई थी शाहरुख खान की, क्या उसके बिल्कुल गलत है? निंदा करेंगे, वायलेंस को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में। निंदा करेंगे मतलब बिल्कुल कंडेम करते हैं, हर फॉर्म ऑफ वायलेंस को कंडेम करते हैं। हर वो व्यक्ति डेमोक्रेसी के खिलाफ किसी भी पार्टी का हो, डेमोक्रेसी के लिए खड़ी है, हर वो व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो ये कहता है कि मुझे फला व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसकी फिल्म का विरोध करें, उन तमाम लोगों की आप निंदा करेंगे? विरोध करना उनका पर्सनल राइट है, इसको निंदा उंदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, हम आपकी फिल्म नहीं देखे, ठीक है, कोई वायलेंस थोड़ी ना यूज कर रहा है, हम आपका फिल्म देखे कोई जरूरी थोड़ी ना है।
अगर हम आपसे नहीं एग्री करेंगे, नहीं फिल्म देखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? चलिए अभी आलोक जी इस पे शायद कुछ कहना, आपके फिल्म को चलाने का कोई हमारा ने कही हमारे आज अधिकार थोड़ी बहुत अच्छा लगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज भी आज न्यूज वर्ल्ड को दे दी उन्होंने कि वो निंदा करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा उसकी वो निंदा करते हैं, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा इस चीज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चला जाए, कौन सा कंट्रोल इन्होंने किया था इन्होंने नहीं बताया। फिर इन्होंने कहा कि साहब ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, तो अपनी फिल्म के लिए बात की है। हो सकता है करण जौहर जी से बात करके आए होंगे हमारे सुदेश भाई। तीसरा इन्होंने कहा स्टैनिक वर्जिस पे बैन लगा, इनको शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जानकारी में कमी रह गई। स्टैनिक वर्जिस पे आज भी बैन नहीं है, उसके प्रिंटिंग पे बैन था। और अगर आपको बैन हटाना है तो आप बैन लगाओ, आपकी सरकार दो साल आए हो गए आए हुए, आपने बैन क्यों नहीं हटाया? एमएफ हुसैन की बात तो करते हैं आप लोग, हिंदुत्व के ठेकेदार तो बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं एमएफ हुसैन को सिर्फ अपनी फिल्म की देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने पर हिंदुस्तान ने नहीं दिया था, और हम आगे भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहिष्णुता के साथ कम से कम कला की तो कला का तो सम्मान कीजिए, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका तो सम्मान कीजिए। आप हर जगह अगर अपनी विचारधारा थोपेंगे कि साहब राम मंदिर बनना चाहिए, आज ही बनना चाहिए और सितंबर में ही बनना चाहिए, मैं समझता हूँ हर तरह से आप लोगों ने धार्मिक माहौल को सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान आर्थिक और सामाजिक मुद्दा कहीं और चला जा रहा है। रामकृपाल जी के पास आएंगे, रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं। जो जो सवाल अभी उठा, देखिए खतरा मैं बता दूं, समाज में जनता हमेशा लीडरशिप को फॉलो करती है, और समाज के जो लोग मुखिया हैं अलग अलग हिस्सों में, धर्मगुरु होते हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं। एक छोटी सी बात मैंने हमेशा देखी है, चाहे वो आमिर खान का मामला रहा हो चाहे यहाँ, बीजेपी आज पावर में है, बीजेपी को खुद ये बार बार कि हम हमारे समाज में असहिष्णुता नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है, इसके बजाय जब भी हो बीजेपी को खुद देखना चाहिए कि वो उसके जो नेता रिएक्ट कर रहे हैं उसका मैसेज आम जनता में क्या जाएगा। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, आमिर का मामला था, अखबारों में आ गया कि आमिर से साहब वो जो वो कैंपेन था हटाया जा रहा है अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा या जो भी है जी। खूबसूरती यह थी कि आमिर का यह कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता, आप इतना बड़ा मैसेज देते पूरी दुनिया में कि देखो अपनी बात कह करके हम उससे असहमत भी हैं लेकिन हम उनकी कला का आदर करते हैं और जिसको लिया था वो आगे चलता, वो जो मैसेज जाती उसके बजाय मीडिया उठाता है और बीजेपी के नेता बहुत तेजी से उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे आप एक पक्ष बन जाते हैं, जबकि जो सत्ता में है उसको सुनने और सहने की आदत डालनी चाहिए, सिर्फ आदत ही नहीं, मैसेज डाउन द लाइन जाना चाहिए कि जनता में क्या मैसेज जाएगी। अगर आप आमिर खान को, चलिए आपने हो सकता है उनका उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो, जेन्युइन भी हो, तो भी ये देखना चाहिए कि किस समय पर आप, बहुत सारी गड़बड़ियां इसलिए होती हैं कि हम लोग गलत समय पर सही फैसला करते हैं, ये भी ध्यान रखिए वो भी गलत है बिल्कुल, और कई बार सही समय पर हम गलत फैसला करते हैं जी। वो दोनों स्थितियां गलत होती हैं, तो देखना ये चाहिए कि हमारा इस कदम से मैसेज क्या जाएगी। काश अगर आमिर के इस बयान के बावजूद उनको सरकारी दायित्व का जो भी कैंपेन दिया गया था उनको इनक्रेडिबल इंडिया, हाँ वो उसको हटाया नहीं जाता और उसको कंटिन्यू किया जाता, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मैसेज जाती कि देखिए हमारे यहाँ सहिष्णुता का माहौल है, असहमति के बावजूद जी 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 हम ये करते हैं। ये बात जरूर रही कि वायलेंस कोई किसी भी लोकतंत्र में हिंसा कोई विकल्प नहीं है, ये बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, किसी को उस रोड पर आकर के कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को, ना बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी जी जी। सोमनाथ भारती जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे जिस तरह से करण जौहर ने अपने मन की बात कही एक मंच के माध्यम से, और तुरंत इस पर जिस तरह से राजनेताओं का बयान आने लगा, राजनीति बढ़ने लगी, ये कितना सही है? नरेश जी, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देश तो टॉलरेंट है लेकिन कुछ लोग इनटॉलरेंट हैं। जो लोग आज सत्ता में हैं इनको सत्ता की इतनी मद में आ गए हैं ये कि इतने इनटॉलरेंट हो गए, कुछ भी नहीं सहना चाहते जो इनके खिलाफ हो। जिस किसी ने भी इनके खिलाफ बोला वो इंटरनेशनल हो गया, वो कास्टिस्ट हो गया, वो एक्सट्रीमिस्ट हो गया। हमने वो क्या हुआ हैदराबाद में हम सबको पता है। देश पर से पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान
वैसे तो टॉलरेंट है, लेकिन कुछ लोग, कुछ जैसे कि आपके गिरिराज जी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, जो भाजपा के चंद नेता, इन्होंने ऐसा माहौल देश में बना दिया कि लोग डर रहे हैं। आज लेखक, आज कवि, आज क्रिएटर, आज कोई डांसर, कोई पेंटर ऐसा दिल में भाव लेके चल रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी मूवी रिलीज होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ये सेंसर बोर्ड है, भाजपा का हेडक्वार्टर, सबसे पहले वहां जाए, वहां फिल्म देखी जाए, तब जब अलाउ करेंगे तो सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जो बात आलोक जी कर रहे थे, ये इस तरह का माहौल कोई आज तो बहुत ज्यादा एक मात्रा में दिख रहा है, लेकिन पहले भी, पहले के समय में भी ऐसा माहौल रहा, कांग्रेस के जमाने में भी रहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो जो संविधान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, उसका मखौल दोनों पार्टियों ने उड़ाया। आज बड़ा खुला खुला उड़ाया जा रहा है, उस वक्त थोड़ा दबी आवाज में उड़ाया जा रहा था। चलिए, बिल्कुल अलग अलग आपके पास आएंगे आलोक जी, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग पार्टियां करण जौहर के कहने के बाद किस तरह से विवाद बढ़ा, अलग अलग पार्टियों का रिएक्शन क्या है, इन पार्टियों के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज द बिगेस्ट जोक इन द वर्ल्ड आई बिलीव, डेमोक्रेसी इज द सेकंड बिगेस्ट जोक आई थिंक। करण जौहर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र होने की बात कहना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, तो उनके समर्थक वो भी हैं जिनका वजूद ही लोकतंत्र की वजह से है। जो भी रंगकर्मी है, लेखक है, कलाकार है, साहित्यकार है, जो स्वच्छंद तरीके से अपने विचार रखते हैं, उनको उनको तो ये चिंता उनके अंदर है ही कि कब कौन अटैक कर देगा। सरकार बुद्धिजीवियों के खिलाफ है, ये जो आजाद सोच है उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये सच ही होगा। असहनशीलता पर बहस के दौरान बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये सब कुछ बिहार चुनाव की वजह से हो रहा है। करण जौहर के बयान के बाद पार्टी के पास फिर से वही तर्क है। हमने देखा कि बिहार के चुनाव के समय इंटॉलरेंस का डिबेट बहुत पीक पर गया था। मुझे ऐसा लगने लगा कि फिर कोई चुनाव आने वाले हैं क्या? ऐसा लगने लगा है कि जब इंटॉलरेंस के शब्दों का उपयोग होने लगता है तो ये कहीं ना कहीं दिखने लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव है। दुनिया देख रही है कि भारत कहां आगे जा रहा है और कितना टॉलरेंट कंट्री है, शायद उससे बड़ा टॉलरेंट कंट्री कोई भी नहीं है। करण जौहर मानते हैं कि इस देश में कुछ भी कहना और करना खतरे से खाली नहीं है, पता नहीं कौन किस बात पर नाराज हो जाए, लेकिन सच तो ये भी है कि देश का यही इमोशन सितारों को सितारा बनाता है, फिल्मकारों को उनकी कला के लिए आसमान पर चढ़ाता है। अमर सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो अलग अलग पार्टियों की बात आपने सुनी, कांग्रेस से आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, सोमनाथ जी ने जो कहा इस पर आपका रिएक्शन अब मैं पहले लेना चाहूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ सोमनाथ भारती जी को दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी और किरण बेदी जी, उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कितनी टॉलरेंट है। शायद बाउंसर्स के थ्रू जो है वो वहां पर फार्म हाउस से भगाया गया था उनको, और सुदेश जी ने तो पूरा प्रवचन। एक बार कैलाश विजयवर्गीय साहब कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, एक बार उनको सुनते हो, क्या कह रहे हैं? उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो कैसे भी इस देश को डैमेज कर रहे हैं इस प्रकार की बात करके। तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि यह सहिष्णु देश है और सनातन देश है, इस देश की विशेषता ही सहिष्णुता है। असहिष्णुता की बात कहकर इस देश को बदनाम करने की साजिश विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे कुछ देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल कर रहे हैं। सर, करण जौहर कहते हैं कि मन की बात नहीं यहाँ की जा सकती है, डेमोक्रेसी बिगेस्ट जोक है, तो इस तरह की बातें लगातार अगर फिल्म जगत से उठते हैं। करण जौहर एक कलाकार हैं और कलाकार तो कभी कभी विलेन की भूमिका अदा करता है, कभी हीरो की भूमिका अदा करता है, तो पता नहीं कौन सी भूमिका में उन्होंने कहा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए सुदेश जी, पहले आपके पास आऊंगा, कैलाश जी ने जो कहा इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या करण जौहर विदेशी ताकतों के इशारों पर इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, इतना जो जरूर है कि ऐसे कोई भी बयान जो भारत को इंटॉलरेंट प्रेजेंट करते हैं वो निश्चित ही भारत का भला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत का एक इमेज चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उस इमेज के खिलाफ जा रहा है। अभी रामकृपाल जी बोल रहे थे कि अच्छा होता कि अमीर खान जी को महासचिव है वो।
बता रहा हूं ना मैं प्रश्न, आप विदेशी ताकत कौन सी है जरा बताइए, देश जानना चाहता आज। रामकृपाल जी ने बयान दिए हैं, इस तरह के बयान दिए हैं जो कि बिल्कुल देश को शर्मसार करता है। रामकृपाल जी चाहे वो बयान गिरिराज जी का हो, चाहे वो बयान अपने योगी आदित्यनाथ जी का हो, इन सब ने ऐसे बयान दिए कि देश को शर्मसार होना पड़ा। अरे सुदेश जी ऐसा क्यों है, आप उनका मुंह बंद करिए तो आप ये बताइए ऐसी क्या आप उनका मुंह बंद नहीं करते, कर रहे हैं उसी बात को बोलने के लिए जो हम लोग रिपीट करते रहे। ये अवार्ड वापसी ब्रिगेड आपका क्रिएशन था बिहार चुनाव के लिए, चलिए वो आपने आरोप लगाया और बिहार की जनता भी, बिहार की जनता ने आपको पहचान दिया और बिहार की जनता ने सहयोग भी उत्तर दे दिया आपको। सुदेश जी ऐसा क्यों है, सुदेश जी पहले भी हमने आलोक जी बात की है, सुदेश जी से मेरा सवाल है, आप अपने नेताओं को रोक दीजिए, ऐसा क्यों है कि अगर मैं आपकी बात से सहमत हूँ तब तो मैं सही हूँ, अगर मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई तो मैं विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है? ये कहा कि सर टॉलरेंट थे जो आपके खिलाफ बोलता था जेल में डाल देते थे सुदेश जी, अरे अभी तो आप बोल पा रहे हैं। देखिए हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं देश में सहिष्णुता है, लेकिन लेकिन आपकी पार्टी के नेता क्या बता रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा जो कहा जा रहा है वो क्या मैसेज देता है कि जिनकी बात हमको पसंद नहीं आएगी हम कह देंगे वो विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं। आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को एक मिनट, पहले पहले सुदेश जी की बात सुनते हैं, लेकिन जो भी भारत के खिलाफ बयान होता है अगर आप इंटॉलरेंस की बात करते हैं कि बढ़ रहा है तो ये भारत की छवि के खिलाफ है, कहां इंटॉलरेंस है? आप एक एलीट वर्ग के आदमी हैं और आपका फिल्म अगर सेंसर होता है तो आप बोलते हैं इंटॉलरेंस हो गया, जाके एक आम आदमी की बात करिए ना, आम आदमी की बात आप थोड़ी ना कर रहे हैं, आप अपनी फिल्म की बात कर रहे हैं, आप सेक्शन 377 की बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए पब्लिक, पब्लिक सब देख रही है, सबको सुन रही है, पब्लिक को क्या समझ में आ रहा है इस चर्चा से और पूरे विवाद में? प्रतिभा हमारे साथ है, प्रतिभा बताइए आप क्या कहना चाहती है इस मामले में? हेलो जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं मुजफ्फरनगर दंगों की सताई हुई हूँ, हेलो, मैं मुजफ्फरनगर दंगों की सताई हुई हूँ, मैं भारती जी और ये कांग्रेस के और ये सब जो बैठे हुए हैं मैं सबको देख रही हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि इन पर बीती नहीं है ना, इन किसी पर बीती है किसी पर भी? वो हम जैसे लोगों पर बीती है, और ये अमेरिका ने और उसने बंद कर दिया है ये बुरके का, वो उसको क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ भी? इस देश में रहना तो हिंदू का भी मुश्किल है, मुसलमान का क्यों है, हिंदू का भी मुश्किल है। प्रतिभा जी आपको क्या लगता है, आपने कहा आप दंगों की सताई हुई हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत ही एक शर्मनाक चैप्टर था जो मुजफ्फरनगर में हुआ, लेकिन ओवरऑल इस देश में क्या माहौल, आपको लगता है यहाँ कुछ भी कहने से डर लगता है? सर कहाँ डर लगता है, कितने रह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि सहिष्णुता है, डर कहाँ है, किसको है, ये अपने पब्लिसिटी के लिए सब डर 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 डर। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। अब सवाल आलोक जी आपसे है, मुझे लगता है जिसने दंगों का दर्द सहा है, जिन बातों को लेकर आप कहते हैं कि देखिए समाज में सहिष्णुता नहीं है, देखिए दंगे होकर लोगों के घर जला दिए गए, वहां से पीड़ित एक व्यक्ति हमें फोन करके ये कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो अलग है, दर्द है, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि देश में सहिष्णुता नहीं है तो वो नहीं सहा जाएगा, ये गलत है, आलोक जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं समझता हूँ उनका जो भाव था वो भाव ये था कि देखिए दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों पिस रहे हैं, आप ये देखिए उन्होंने साफ कहा देश में कि केवल मुस्लिम नहीं उन्होंने कहा हिंदू भी, उन्हें कोई डर नहीं लगता इस देश, शायद मुझे लगता है वो हमारी बहन को सहिष्णुता शब्द तो समझ भी नहीं आया होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं इस पर अब रामकृपाल जी से ही बात करेंगे, नरेश जी मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि केवल मुस्लिम नहीं हिंदू को भी रहने में दिक्कत हो रही है, वो बात और मैं पीड़िता हूँ करती क्योंकि उनकी आवाज आपको सपोर्ट नहीं करती, तो आप ये मानने कोई भी दंगा देश के अंदर, नरेश जी जी नरेश जी जी कोई भी दंगा देश के अंदर कोई आम मुसलमान कोई आम हिंदू नहीं कराता, ये दंगा कराए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जी। ये सारे के सारे दंगे ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, चुनाव के पहले दंगे कराए जाते हैं जिससे कि जिससे कि पोलराइजेशन हो सोसाइटी के अंदर। देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम सेंटीमेंट्स का राजनीतिकरण किया उसी तरह से भाजपा हिंदू सेंटीमेंट का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन देश ने एक बार इनको वोट दे के देख लिया, फिर दिल्ली में इनको हार का सामना करना पड़ा, फिर इनको बिहार में हार का सामना करना पड़ा, अभी पंजाब इनके आएंगे एक बार कारण क्या है, रामकृपाल जी आलोक जी अभी तक जो कह रहे थे अब उन्होंने जो कहा कि अगर उनके मतलब की बात कोई नहीं कहता है तो उसको सहिष्णुता का मतलब समझ में नहीं आ रहा, इस बात पे आप क्या कहें? देखिए
मैंने आपसे पहले भी एक कहा था, जब से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी सोमनाथ जी ने एक बात कही कि कांग्रेस भी बुरी है, बीजेपी भी बुरी है, दोनों गड़बड़ हैं, तो उसमें एक जाहिर संदेश छुपा हुआ है कि एक विकल्प हम भी हैं और देश हमको ही आजमा ले। मेरा ये कहना है कि जब इस तरह की डिबेट होती है तो पहले से पता होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या लाइन लेगी। देखिए हमारा समाज, देखिए हम झूठ मूठ का ऐसा कोई आदर्शवादी समाज नहीं हो चुका है जहां इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह कहना कि भारत हम बिल्कुल सहिष्णु हैं, एकदम टॉलरेंट सोसाइटी है, भी गलत है, और यह कहना कि यह देश अब रहने लायक नहीं है भी गलत है। ईमानदारी की बात यह है कि हम अच्छे, हमारे यहाँ अच्छाइयां भी हैं, कमियां भी हैं जी, और इसी कमियां ही होती हैं तभी एक सुधार का आंदोलन चलता है। राजा राम मोहन राय से लेकर के आज तक लोग तमाम समाज कर्मी ऐसे हुए हैं, सामाजिक सुधार के आंदोलन चलते हैं, वो लगातार चल रहे हैं। और देखिए हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है लगातार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो 100 डिग्री पर पहुंच चुकी है जहां सारी मैच्योरिटी है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनमें देखिए जिनकी भावनाएं भड़काई जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज भड़काती हैं, ईमानदारी की बात यह है कि हर वर्ग में, हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमें ऐसा पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो थोड़ा बहुत अगर नेता लोग कम से कम ये मान लें कि सामाजिक मुद्दों पर, बाकी मुद्दों पर जहां देश का हित हो जी, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पार्टी लाइन से उठ करके अगर एक सहमति बनाएं कि देखो भाई ये गलत है जी, जो जौहर हैं उनके दर्द को भी समझना चाहिए, आनी चाहिए जो समाज के भले की बात हो। अगर आपको लगता है कि जौहर कहीं भटके हुए लग रहा है तो ये मौका ऐसा होता है कि उनको समझाइए कि चलिए अगर आपको कहीं भी लगता है तो हम आपका साथ देंगे। इस पर आएंगे, अगर एक कॉलर हमारे साथ बस एक लाइन, अगर मामला सेंसर बोर्ड का उठता है तो उसमें बहस होनी चाहिए। और अभी के हाल के दिनों में ये बात देखिए, कहीं ना कहीं मैं इसमें बीजेपी की तारीफ भी करूंगा, चाहे आखिर आप किसी और को लाने की बात चल रही है संकेतों में ही सही, श्याम बेनेगल का नाम लिया जा रहा है, तो कहीं रियलाइज कीजिए कि देखिए हर जगह कहना कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही ही है, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा कहना है कि कोई पक्ष विपक्ष नहीं है इसमें, यह जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज को देश हित में और समाज एक लाइन से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं एक सहमति बनानी पड़ेगी ऐसे मुद्दों पर जी। हमारे साथ इस वक्त दिलीप है पुणे से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दिलीप जी, मैं तो खाली एक छोटा सा राय दी, क्योंकि लंबा चौड़ा तो काफी उसमें विस्तार है, मगर छोटी सी है, मेरी राय ये है। सोनी जी सुन रहे हैं आप? जी जी, आवाज आपको जी। सोनी जी जी हेलो, हाँ आपने सवाल पूछिए। हाँ राय ये मेरी है कि जैसे अब ये बिजनेस है, करण साहब हो चाहे आमिर हो शाहरुख, एक फिल्म जो है बिजनेस होता है, और बिजनेस सर्वल जो है वो 100 करोड़ है, 25 करोड़ गवर्नमेंट सर्वल है। आप संविधान, यहाँ मामला यह आता है कि संविधान लिखा तो 50% है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, बिजनेस सर्वेंट जो 100 करोड़ है उनके लिए संविधान में अगर संशोधन होता है, कुछ फैसिलिटी मिलती है बिजनेस जो धंधे वाले के लिए, तो ये आशंका एक कम होने में बहुत कारगर साबित होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ है, सुमित है दिल्ली से। चलिए देवीदास इस वक्त हमारे साथ है, देवीदास जी पूछिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं ये तीनों पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर जी। मैं पहले आर्मी से रिटायर हूँ, एक सैनिक हूँ सर, मैं 15 साल तक आर्मी में सर्विस किया है। आज मेरे देश के सामने सर, जो मैं विदर्भ से हूँ, यहाँ पे बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये तीनों पार्टी का बयान सुन के बहुत सर मेरे को मतलब एक शर्मंदगी महसूस हो रही है कि ये लोग अपने आप में ये झगड़ा कर रहे हैं। और सर ये बात ये है कि मैं इन तीनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आज मेरे देश के जवानों को, किसानों को रोटी पानी और मकान की ज्यादा जरूरत है, ना कि इनकी जो बात कर रहे हैं। जो तीनों पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमने बहुत इससे आप लोगों को चुन के दिया है, इस बारे में मेरे को ज्यादा से ज्यादा बहुत मतलब अच्छा सवाल, आप बहुत अच्छा सवाल देवीदास जी। मेरा सवाल ये है तीनों पार्टी से कि आप आपस में झगड़ा न करते हुए, आप सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात न करते हुए, आप हम लोगों को क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, जय जवान और जय किसान का देश है, किसान आत्महत्या कर रहा है और जवान विरोध प्रदर्शनों में लगा है, अपने आरोप की मांग में लगा है। मेरा इस वक्त सवाल सुदेश जी आपसे,
और उम्मीद करूंगा कि जो बात अभी रामकृपाल जी ने कही और जो बात कहीं ना कहीं देवीदास जी भी कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो समाज के लिए जरूरी है उसकी बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं, इस सवाल को मैं उम्मीद करूंगा पार्टी लाइन से अलग हटकर कुछ वो कहेंगे जो आपकी आत्मा का जवाब होगा। मेरा सवाल यह है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा ये कहता है, सवाल होने दीजिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे डर लग रहा है, तो आप उसका विरोध करना शुरू कर देंगे, उसको डांटने लग जाएंगे, या प्यार से उसके पास जाएंगे, कांधे पर हाथ रखेंगे और पूछेंगे बेटा डर क्यों लग रहा है और क्या इसका हम उपाय करें? ऐसा क्यों नहीं होता? जब भी कोई कुछ कहता है कि मुझे डर लग रहा है, रहने में डर लग रहा है, कहने में डर लग रहा है, करने में डर लग रहा है, सब बैनर लेके क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं कोई जाके सीधे उनसे पूछे प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्यों ऐसा नहीं होता? देखिए, ये कॉमन आदमी नहीं है जो बहुत बात बोल रहा है डर की, ये वैसे लोग हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट के हैं, इसलिए उनकी बात न करिए। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा कि देश के बारे में जो बात की, आपको बताना था, मेरे सवाल को टाल रहे हैं, भाषण में बोले थे, मेरे सवाल को टाल रहे हैं इश्यूज पर कंट्रोल, सुदेश जी मेरे सवाल को आप टाल रहे हैं, नहीं आप सुन तो लीजिए, और क्या हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं? लेकिन नहीं, हर समय अपोजिशन पार्टी कोई न कोई मुद्दे को लेकर खड़ा कर देगी, चाहे वो एक डेथ स्टूडेंट का हो, सुदेश के कारण इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने देंगे, चाहे वो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जनता आपको सुन रही है, हर जगह आप ये सवाल हम उनसे भी करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे। सुदेश जी एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट आप रुकिए, सुदेश जी आप डिटेल, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे जो सवाल मैंने पूछा, किसी बच्चे को डर लगेगा तो आपका रवैया क्या होगा, उसको डांटने का होगा, जो होना है उसके विरोध करने का होगा, सबका विकास आपने क्यों नहीं, आपकी पार्टी के किस बड़े नेता ने, डिटेल नहीं हो रही, आपकी पार्टी के किस बड़े नेता ने शाहरुख या आमिर के पास जाके पूछा कि क्यों डर लग रहा है और व्हाट आई कैन डू फॉर यू, क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा कभी? अरे ये कोई छोटे मोटे लोग हैं क्या आप? ये तो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, ये पूरे देश को हिला सकते हैं, इनसे पूछने की जरूरत है, ये खुद बताएंगे ना कि डर क्यों लग रहा है। करण जौहर अगर बोलते हैं तो वो खुद बताएंगे ना डर क्यों, उन्होंने तो बता दी, उन्होंने बात की। सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं जवाब चाह रहा था वो नहीं मिला, खैर ये आपका जवाब है। इस पर सोमनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश जी देखिए, गवर्नेंस में चूंकि मैं तो 2 साल पुराना पॉलिटिशियन हूं, मैंने देखा है कि जो धर्म है, धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं। धर्म बिल्कुल प्राइवेट अफेयर है, बेडरूम अफेयर है। मैं किस अल्लाह को पूछता हूं, मैं किस भगवान को पूछता हूं, मैं किस वाहेगुरु को पूछता हूं, मैं किस जीसस क्राइस्ट को पूछता हूं, मेरी मर्जी है। सरकार का दायित्व है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक जो नीड्स हैं एक इंडिविजुअल, उसकी पूर्ति करे, साथ में यह भी इंश्योर करे कि हर इंसान जिस भी धर्म को वो मानना चाहता है उसको वो उसकी पूरी पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं हो रहा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों पार्टियां और भी पार्टियां सभी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को बरगलाते हैं। जो बात आपने कही बड़ी कीमत वाली बात, नरेश जी मैं कि जब किसी ने भी दिखाया कि मेरे मन में ये डर है, दो बार मैंने सरकार का दायित्व था कि वहां जाकर के पूछते भी किस चीज का डर है, क्यों डर है, चलिए उस डर का समाधान मिलना चाहिए था। चलिए लेकिन दोनों पार्टियां धार्मिक भावनाओं को अपना उल्टा सीधा की बात का जवाब देना चाहता हूं। वक्त कम है, एक बार सुदेश जी के पास जाते हैं, आप भी संक्षिप्त में कहिए, फिर रामकृपाल जी के पास। मैं आपको याद दिलाऊं, यही अरविंद केजरीवाल तौफीर राजा खान के पास गए थे वोट मांगने के लिए, यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ओखला में क्या की थी आपको पता होना चाहिए, मुसलमानों को बोला था कि मुसलमान ये तो शुरू से ही हमें सिखाएंगे और क्या गवर्नेंस सिखाएंगे, गवर्नेंस करना ही नहीं आता, चर्च भी गए थे, ये सिर्फ बात कर सकते हैं टीवी में, और जो आत्मचिंता है ना जी, सुदेश जी आप बहुत गुजारिश है प्लीज ये देखिए, समाज में भाईचारे और शांति है कि नहीं है, इसका पैमाना ये नहीं है कि दंगे नहीं हो रहे हैं, इसका पैमाना ये होता है कि दिलों से डर कितना कम हुआ है। और जो आपने बात यही कही कि अगर कोई डर रहा है या डरने का स्वांग कर रहा है तो भी मुखिया के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके कंधे पर हाथ रखें कि वो क्या वाकई तुम्हें डर लग रहा है, अगर वो नहीं, अगर डर लग रहा है तो डर को दूर करना है, और अगर डर का स्वांग है तो उसे इतना निश्चित करना है कि स्वांग करने की कोई जरूरत नहीं है जी।
तुम निडर रहो। चलिए बहुत सही, सत्यम हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़े हैं। जी सत्यम। हाँ सर, हम ये बोलना चाह रहे थे कि करण जौहर साहब बोल रहे हैं कि हमको ये देश असहिष्णु लगने लग गया, तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, कुछ दिन पहले उनका एक कार्यक्रम आया था AIB जिसके बारे में हम बोलना। चलिए सत्यम, उन्होंने ये नहीं कहा कि देश असहिष्णु हो गया, उन्होंने ये कहा कि कुछ कहने में डर लगता है कब कोई केस कर दे, उन्होंने ये कहा था, और AIB वाली बात हम उठा चुके हैं। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में? बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो देवी प्रसाद जी ने, देवी जो भी कॉलर थे, उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा कि आज हम तमाम इन मुद्दों पर क्यों बहस कर रहे हैं, आज हम बहस करें कि विदर्भ में क्या हुआ, आज हम बहस करें कि दिल्ली के अंदर कल 7 लोग ठंड से मारे गए, आज 5 लोग मारे गए, लेकिन सबके ट्विटर का खेल सब खामोश है। बीजेपी मर जवान मर किसान का नारा देकर तो आई, लेकिन विदर्भ में क्या हुआ, वहां पर जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता क्यों चला जा रहा है, उस पर जवाब नहीं है। तो आज मैं मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि करण जौहर जैसे व्यक्ति जो हैं, ठीक है उनकी बात में सच्चाई भी है और तमाम चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं गौण मानते हुए तमाम जो बाकी मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाए। दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन बिहार का चुनाव अगर होगा तो कहेंगे साहब पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे, अरे भाई 200 रुपए किलो दाल क्यों है, इसका जवाब नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि आज माहौल खराब है, बीजेपी को चाहिए कि घर का बच्चा अगर नाराज है तो उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा जाए, उससे ये ना कहा जाए कि तुम विदेशी ताकत हो, तुम पड़ोस के घर से आए हो, तुम कांग्रेसी हो। मैं समझता हूं उसका क्या प्रश्न है, उसकी क्या दिक्कत है, उसको दूर किया जाना चाहिए, और सौहार्द का वातावरण रहेगा तभी सबका साथ सबका विकास होगा, इस तरह से नहीं होगा जैसे भाजपा चल रही है। चलिए बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर लखीमपुर से जुड़े हैं, पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी सर नमस्कार। जी सर एक प्रश्न मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि करण जी ने जो बोला, अगर यहाँ बोलने की आजादी न होती देश में तो ये बोल सकते थे? तो यही तो उनका अफसोस, उन्होंने कहा कि घर जाते जाते पता नहीं कोई FIR ना कर दे, कोई विरोध ना कर दे, और वो हो भी गया, विरोध हो गया कम से कम। चलिए सुदेश जी आपके पास आना चाहेंगे, जो मूल सवाल था जो कहीं ना कहीं आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ नहीं पाए, उस सवाल का जवाब आप दे नहीं पाए, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। सवाल ये था कोई डरता है तो क्यों नहीं सरकार उसके कांधे पर हाथ रख के पूछती है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सीधे बयानबाजी शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान चले जाओ या विदेशी ताकतों का हाथ, ऐसा क्यों है? सर ये ऐसे लोग हैं नरेश जी जो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, उनको हमारी आपकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी से समय अगर ये बात गया, वहां से नहीं मिला उसे समय, लेकिन ये माहौल बिगाड़ना चाहे तो माहौल भी बिगाड़ सकते हैं, बात उसकी आम आदमी नहीं है, इनको आम आदमी मत ट्रीट करिए, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट से गाइडेड होके काम करते हैं, इनको अपना फिल्म प्यार है, देश प्यार नहीं है, वेस्टर्न इंटरेस्ट नजर आ रहा है तो इंटॉलरेंस की बात को विदेशी ताकत है, बताइए ना कैलाश विजयवर्गीय, बात करिए ना पाकिस्तान से इशारा आया है, आप हुकूमत से बात करिए, जो भी आपकी विदेशी ताकत है इनके पीछे, जो भी गवर्नमेंट में उससे आप बात कर सकते हैं, हर व्यक्ति इनसे बात करने को तैयार रहता है, इनको आम आदमी मत सोचिए। ये भारत वर्ष आपको दिया गया विकास करने के लिए, आप विकास ना करके धकेल रहे पीछे, केजरीवाल जी की तरह विकास कीजिए, 7 लोग ठंड से मर रहे हैं। सुदेश जी आप भी केजरीवाल जी की तरह विकास कीजिए। सुदेश जी एक आखिरी सवाल आपसे है, शो को समेटना होगा। अरे सुदेश जी आखिरी सवाल है, दोनों ही जो है जनता को मूर्ख बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं सुबह से, मूर्ख तो सारी पार्टियां बना रही है उसमें कोई शक नहीं है, मूर्ख सारी पार्टियां बना रही है, जिसको जो मौका मिल जाए, मर जवान जिसको जो मौका मिल जाए, बात कीजिएगा। सुदेश जी फ्री पानी दे रहा है। सुदेश जी एक आखिरी सवाल आपसे है, उम्मीद करूंगा कम से कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दाएं बाएं गए बगैर सीधे, अगर मुझे डर लगने लगे तो क्या मैं देशद्रोही हो गया हूं? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर डर लगने लगा आपके डर को, आप पूरे देश का डर बता देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो बातचीत तो आप उन्होंने नहीं करना नहीं चाहते कहा, ना, अगर आपको नहीं डर कहा कि सबको डर लगता है तो मैं आपके करेक्ट कर दूं कि डर लग रहा है, हम कि प्रेस किसी बात का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली करेक्ट कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको डर लगता है, उन्होंने अपनी बात कही कि मैं कुछ कहूंगा तो बिना मतलब विवाद शुरू हो जाएगा, कुछ भी कहने में डर लगता है, उन्होंने ये कहा था। चलिए शो को समेटना होगा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस चर्चा में आप शामिल हुए, और कहीं ना कहीं शो को समेटते वक्त इस बात को वापस से एक बार दोहराना चाहूंगा जो रामकृपाल जी ने कही, जब ऐसी कोई बात होती है तो हर पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेकना जब बंद कर देगी तब शायद समाज में एक बेहतर माहौल बनेगा, और उसी की हमको जरूरत है। नमस्कार।